सावन का आखिरी सोमवार और हजारों की तादाद में श्रद्धालु शिवालयों पे महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। बताते चले दो तस्वीरें हमने दिखाए हैं दरभंगा के प्रसिद्ध दरभंगा शहर के आसपास एक NH 57 का जो महादेव है विकेश्वर महादेव, दूसरा दरभंगा के काली मंदिर में महादेव। दोनों महादेव मंदिर की स्थापना दरभंगा महाराज ने किया था। भव्य तरीके से आज दोनों शिवालयों को सजाया गया है। संध्या काल में महाआरती है जो आखिरी सावन का सोमवार का आरती होगा जो बहुत ही भव्य तरीके से होगा। खास तौर पर चले आज सावन का आखिरी सोमवार है, खास तौर पर जो महिलाएं होती है जो व्रत धारण करके रहती हैं, पुरुष भी धारण करते हैं लेकिन खासतर जो अविवाहित कन्याएं होती हैं जो अच्छे वर के लिए महादेव की आज विशेष तरह से पूजा करती हैं। और सावन में तो हर रोज़ महादेव की पूजा होती है लेकिन सोमवार का जो दिन होता है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है महादेव की पूजा को लेकर के, इसलिए दो मंदिरों की हमने दृश्य आपको दिखाया है। और ख़ास तरह से जानेंगे NH 57 मब्बी पे जो महादेव का मंदिर है उसकी विशेषता क्या है और अन्य मंदिरों की विशेषताएं क्या है वो आप सभी अच्छे जानते हो। उन्हीं तस्वीरों के साथ अब पंडित जी ने क्या कहा उसे हम आपको सुनाते हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, महादेव का है। और एक विशेष बात, आज जब महादेव जो NH 57 के पास मब्बी महादेव का मंदिर उसी के जस्ट सामने से गुजरी अखाड़े यानी मुहर्रम का आज नौमी का अखाड़ा गुजरा जो भाईचारगी के साथ दोनों समुदाय का यहाँ पे देखने को मिला है। मंदिर है महादेव का नाम है बाबा विकेश्वर नाम नौ देवता है नौरत्न देवता मब्बी मंदिर गाँव का नाम है मब्बी और मंदिर है। अच्छा महादेव का नाम है बाबा विकेश्वर नाथ जरा अच्छा आज हम उस पानी से रह रहे हैं। मेरा नाम है पेदरान झा मब्बी मंदिर। ये मंदिर किनके द्वारा बनाया गया था, क्या विशेषता है इस मंदिर की? हम सब तो नहीं तो बाप दादा परदादा सब था, उनको जानकारी नहीं रहा मंदिर और राय साहब का। अच्छा हाँ अभी इलाका में है रंजी प्रकाश अग्रवाल के इलाका में है बंगलागढ़। श्रद्धालु कितने आ रहे हैं, किस तरह की भीड़ है यहाँ, लोग कैसे पूजा कर रहे हैं? भीड़ तो अभी शिवपंथी में भीड़ होता है, सोमवार में भीड़ होता है, चतुर्दशी में भीड़ होता है, शिवरात्रि में भीड़ होता है। आखिरी सोमवार है आज, आज क्या खास है यहाँ मंदिर में सोमवार को व्रत को देखते हुए? सोमवार को मैं रात में श्रृंगार लगेगा, आपको प्रोग्राम होगा, प्रवचन होगा। अच्छा ये सारी व्यवस्था है। इतनी भीड़ लगी है, कैसे भक्त दर्शन कर रहे हैं, क्या है? 5 से 10 हज़ार व्यक्ति ग्रामीण जो भी है यहाँ आए हुए हैं। अच्छा और प्लस मंदिर है जो दरभंगा महाराज के द्वारा स्थापना किया गया, बस यहाँ बाबा विकेश्वरनाथ के मंदिर से जाना जाते हैं। श्रद्धालुओं का कितना विश्वास है इस महादेव विकेश्वर महादेव के ऊपर, जो सुनते हैं कि हर सोमवारी है, नाग पंचमी हो, शिवरात्रि में अपार भीड़ लगती है? श्रद्धालु का तो बहुत ज़्यादा यहाँ विश्वास है, तब तो इतना व्यक्ति आते हैं, कम से कम 10 हज़ार 15 हज़ार कभी शिवरात्रि में तो हम लोग देखते हैं 20 हज़ार चल आते हुए। अच्छा कई मंदिर देख रहे हैं भगवान शिव के अलावा, और किन किन भगवान के मंदिर है यहाँ? नवरत्न देवता के मंदिर है, नवरत्न देवता के। अच्छा विशेष का 2 वर्षों के बाद कोरोना काल के बाद शिवरात्रि और ये सोमवारी व्रत है, और आपके दूसरे समुदाय का भी पूजा जो चल रहा है मुहर्रम, क्या खास और विशेषताएं हैं और किस तरीके से आप सोचते हैं कि दोनों संप्रदाय मिलकर काम करें? बहुत सुंदर से चल रहा है। मुस्लिम हम लोग अच्छे नहीं कर रहे, मतलब मान के लिए हम लोग भाईचारा हैं, ऐसे मान के लिए हम लोग का जैसे गांव का अच्छी आएंगे तो उन लोग का भी हम कॉपरेट करते हैं, पूरा यूथ जितना लड़का है सब सपोर्ट करता है। अभी देखा जा रहा है कि मंदिर के सामने से मुहर्रम की जुलूस निकली है, सभी हिंदू भाई ने सड़क पे उनको रास्ता दिया और एक दूसरे के साथ गले मिल करके यहाँ पे गया, इस पर क्या कहेंगे? इसमें यही कहेंगे जो हम लोग भाईचारा बना के हमेशा रखे, राजनीतिक मुद्दा पे नहीं जाए हम लोग। क्या नाम है आपका? धीरेश कुमार।